वुहू, अब तो गुजरात को 2 बॉल पर 12 रन चाहिए, हम लोग जीत गए। कुछ नहीं किया तो इतना मारा, कुछ करोगे तो कितना मारूंगा साला, स्टेशन पे धांधल नहीं मांगता। भाई साहब क्या मैच था ये, किसके बारे में बात करें, कहां से स्टार्ट करें, सब कुछ हो गया भाई इस मैच में। राहुल तिवटिया भाई ने तो ऐसी इनिंग्स खेली राजस्थान रॉयल्स की अंजलि बाहर आ गई। कुछ कुछ होता है राहुल। कि ये राजस्थान रॉयल्स का एडमिन भाई ऋषभ पंत, मैं बता रहा हूँ ऐसी बकचोदी वहीं से निकलती है। ओडियन स्मिथ भाई बॉडी बनाते रह गए और पीछे से राहुल तिवटिया ने गेम बचा दिया। प्रीति जिंटा की कुंडली देख के भाई एक ज्योतिष ने बोला था राहुल नाम के बंदों से दूर रहना। प्रीति जिंटा ने यह बात मान ली और एक राहुल को लखनऊ शिफ्ट कर दिया, पर दूसरे राहुल का भूल गई जो 2020 से पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो तारों में रहने वाले लोगों से बातें क्या करते थे। अच्छा और ना थे क्या? प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। एंटर। एक बात और समझ में आ गई कि राहुल तेवटिया के सामने वेस्ट इंडीज के बॉलर लाने का इच्छ नहीं। मयंक अग्रवाल भाई खुद ही बॉलिंग कर लेने का, पर वेस्ट इंडीज के बॉलर ना 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 ना। कॉटरेल हरामखोर हमको बताया ही नहीं, आईपीएल में ऐसा होता है, खुद स्विमिंग पूल में बकचोदी करता रह गया, तेवटिया हमारा गेम बजा दिया। अच्छा वेलकम हुआ है हमारा आईपीएल में। राहुल तेवटिया 2 सिक्स मार के हमको बोलता इट्स अ प्रैंक ब्रो, वो देखो कैमरा, हाथ हिलाओ कैमरे की साइड देख के। भाई तुम हमसे 6 करोड़ ले लो, पर ऐसे मत करो यार, वेस्ट इंडीज में जाके भी मुंह दिखाना है हमको। लायम लिविंगस्टन, ये बंदा भाई ग्राउंड पे क्रिकेट खेलता है या प्ले स्टेशन में, केवल छक्के चौके ही मारता है, जब तक आउट ना हो जाए तब तक मारता ही रहता है। और ऐसे मानो उसका कैच आया था हार्दिक पांड्या के पास जब ये केवल 14 रन पे थे, पर हार्दिक पांड्या फाफ डुप्लेसिस बनने गए और अहमद शहजाद बन के कैच लिया। सबको लगा शानदार सा कैच पकड़ लिया, पर हार्दिक भाई अपने बाउंड्री रोप को टच कर चुके थे। और कल 2 कैच छूटे भाई, पहला तो लिविंगस्टन का और दूसरा गिल का, और दोनों ने ही ऐसी तैसी करके रख दी भाई दूसरा मौका मिलने पर। गिल का कैच किसने ड्रॉप किया था गेस करो, और जिमशिम करेंगे। आईपीएल का प्रेशर कैसा लगा मेरे सस्ते रसेल भाई। हार्दिक भाई जब से कैप्टन बने ना भाई 4 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग में भी ऊपर आ रहे हैं, पर हमारे मयंक अग्रवाल ने तो प्रीति जिंटा के पैर छू के कसम खा रखी है कि 2 ओवर से ज्यादा ना खेलूंगा, मैं दूसरे प्लेयर्स को मौका दूंगा। और लिविंगस्टन को लिया ही किस लिए इतना महंगा, उससे काम नहीं करवाएंगे तो आपके पैसे कैसे वसूल होंगे प्रीति जी। रन तो मैं भी मार सकता हूँ, बस वही लिविंगस्टन से थोड़ा काम करवाना है। मारवाड़ी दिमाग मयंक भाई। हमारे नसीब में एक भी अच्छा कैप्टन लिखा है या नहीं, 15 साल से आईपीएल में है, आज तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं छुई। एक पुराना कैप्टन था, टीम के सारे रन्स खुद ही बना लेता था, और एक ये कैप्टन है, 1-2 ओवर्स में पिच की चुम्मी लेके वापस पवेलियन आ जाता है। एक तो किसी ने हमको बोला ये रसेल पर बिड कर दो, बाद में पता चला ये आंद्रे रसेल नहीं ओडियन स्मिथ है, ऐसे चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलूंगी नेक्स्ट ईयर से। किस किस ने अपने विजय शंकर भाई को मिस किया, क्योंकि वो अगर मैच में होते तो मैच इतना थ्रिलिंग होता ही नहीं, पहले ही जीत जाती पंजाब की टीम। मेरे को एसआरएच पर दया आ रही है यार, इनके लास्ट ईयर के प्लेयर्स को कोई खिलाने को ही तैयार नहीं है। केदार जाधव अनसोल्ड, मनीष पांडे टीम से बाहर, विजय शंकर टीम से बाहर, पर संदीप शर्मा को क्यों बाहर कर रखा पंजाब की टीम ने भाई, वो बॉलिंग में बहुत यूजफुल है यार। तेवटिया भाई ने ऐसे जोर से चिल्ला के सेलिब्रेशन किया ना भाई 2 छक्के मारने के बाद, वो इस बात का गुस्सा था कि बॉलिंग में उन्होंने भी कुछ कम रन नहीं खाए थे, 1 ओवर में 24 रन पड़े थे। और हार्दिक भाई का फेस ही बता रहा भाई कि उन्होंने पहले उम्मीद छोड़ चुके थे, खत्म टाटा बाय बाय हो चुका था उनके लिए मैच पहले ही। और हर्षदीप सिंह ने भाई लास्ट के ओवर्स में क्या सुपर बॉलिंग करी, मतलब लास्ट के 2 ओवर में केवल 11 रन दिए थे उन्होंने डेथ ओवर्स में, पूरा गेम सेट हो चुका था पंजाब के लिए जब तक लास्ट थर्ड बॉल नहीं आई। लास्ट थर्ड बॉल में ओडियन स्मिथ ने फालतू का ओवर थ्रो कर दिया, ये ओवर थ्रो नहीं होता तो 2 बॉल में 13 रन चाहिए होते और मिलर स्ट्राइक पर होते। अबे भाई तुम लोग क्या हमको केदार जाधव समझ लिया हो, कि लास्ट की बॉल्स भी हम डिफेंड कर जाते, सब लोग बोल रहे हैं अच्छा हुआ मिलर स्ट्राइक पर नहीं था वरना हार जाते। भाई प्रीति जिंटा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है पर क्रिकेट के लिए जान भी दे देंगे हम, क्या बात कर रहे हो यार। वेस्ट इंडीज का बॉलर देख के तेवटिया हमको बोला 150 रुपए दूंगा स्ट्राइक दे दे, तो हम उसको स्ट्राइक दे दिए। चिल बॉयज एंड से किलर मिलर। अब आज तो टू मच फन है जी, 2-2 मैचेस। अब माई 11 सर्कल दे रहा है भाई, पहले मैच में तो डेली की तरह सबसे बड़ा प्राइज मनी 2.02 करोड़ का, यानी दोपहर वाले मैच में, और रात वाले मैच में एक ऑडी कार है भाई फर्स्ट प्राइज। और इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए तुमको इन्वेस्टमेंट केवल 49 रुपीज का करना है, तो काफी मजा आने वाला है क्योंकि आज बहुत तगड़े तगड़े मैचेस है भाई। मैक्सी भाई भी आ रहे हैं सेकंड मैच में तो, और सीएसके के लिए तो मैच जीतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने अगर अभी तक माई 11 सर्कल का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पे जाके क्लिक करो, कोड में तनय डालो ताकि तुम अगर जब भी फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो तुमको 20% का कैश बोनस मिल जाएगा। तो बस फिर यार देखते हैं मैच वगैरह, टेलीग्राम पे फाइनल टीम भी देख लेंगे।
गुजरात टाइटन्स सीएसके एमआई, ले 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 बेटा भाई, इस बार तो दोनों टीमें कहर ढा रही है भाई, हार ही नहीं रही। गुजरात अनबीटन और लखनऊ केवल गुजरात से हारा है अभी तक। ओडियन स्मिथ आफ्टर थ्रोइंग दैट बॉल टू स्टंप्स, सही में यार ऐसे एक्सप्रेशन थे कि अरे दो बॉल में 12 रन चाहिए, तुम लोग क्यों टेंशन लेते हो भाई, संभाल लेगा तुम्हारा, तेवटिया तो है सामने। ओनली राहुल हु परफॉर्मड इन गुजरात, पॉलिटिकल मीम्स नॉटी, वो कैप्टन इसलिए बैठाया था क्या? भाई कैप्टन क्या ही बोलेगा, खुद ही परफॉर्म नहीं कर रहा। शेर के मुंह खून लग चुका है भाई, ये क्या आदमी है यार, मतलब रुकता ही नहीं है भाई, जब तक आउट नहीं होता मारता ही रहता है, मारता ही रहता है। राहुल तेवटिया व्हेनेवर ही मीट्स पंजाब टीम इन आईपीएल, खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी, बता रहे उधर तो दी भाई, अब क्या बता रहे हो। मयंक अग्रवाल सीइंग ओडियन स्मिथ थ्रो इन द लास्ट ओवर, नहीं करना था, मैं तो कहता हूँ ओवर ही नहीं कराना था, लिविंगस्टन से करा लेते। कॉटरेल टू ओडियन स्मिथ, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। पंजाब किंग्स ओडियन स्मिथ, अबे यार ये मीम तो। फ्रॉम बिडिंग फॉर दिल्ली एंड इंक्रीजिंग बिड्स टू कोचिंग गुजरात टाइटल्स ही केम अ लॉन्ग वे, भाई बहुत ही टैलेंटेड बनता है यार ये तो। राहुल तेवटिया सौ कॉटरेल इन ओडियन स्मिथ, दिल छोटा मत कर, तू तो बस दो ही छक्के खाया है, कॉटरेल भाई से पूछो कोई कि छक्के कैसे खाए जाते हैं। ना डरे है जिम करे या पंजाब की गेंद मार दो बेटा, चम मत कर कुछ भाई, पर्सनल दुश्मनी है क्या पंजाब से? केकेआर फैंस वाचिंग गिल प्लेइंग विद स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 110, भाई सही बात है, मतलब बता रहे थे ना उसमें लास्ट तीन साल से इनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 110 से 120 के बीच में रहा है, और इस साल पावर प्ले में 135 के अराउंड हो गया, मतलब इन शॉर्ट केकेआर भी खुश है और गिल भाई भी खुश है कि मतलब तुम अपने रास्ते भाई हम अपने रास्ते। सर प्लीज कम टू सीएसके, अमित मिश्रा सॉरी मैट स्टिल 2 years यंगर फॉर इट, मिश्रा जी ट्रोलिंग कर रहे बहुत भयंकर, मतलब ये किस चीज की खुन्नस निकाल रहे भाई सीएसके पे। लाइम लिविंगस्टोन दिस आईपीएल, धोते जाओ कसम से भाई, इसके ऐसी बैटिंग ना देखी इस आईपीएल में किसी की। ये कह रहा है अगली बार पंजाब इलेक्शन में राहुल तेवटिया को सीएम कैंडिडेट बना देंगे, छक्के छक्के मारेंगे वहां पे भाई। अब्बा हारमोनियम खूब बजाया भाई, खूब बजाया। तेवटिया बैटिंग अगेंस्ट पीबी केस, वेस्ट इंडियन इज बॉलिंग, तेवटिया भाई की कुछ शौक निराले नहीं लग रहे। मिस्ड वेल डिजर्व्ड सेंचुरी सचिन, नर्वस 90 पे आउट हो गए गिल भाई भी। मयंक अग्रवाल बैरिस्टो प्रिटी जिंटा लिविंगस्टन, भाई पंजाब की टीम में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक ही प्लेयर चलता है पूरे सीजन में, रोज उठो नहाओ एक दो ओवर खेल के आउट हो जाओ सो जाओ। ओडियन स्मिथ तेवटिया हो भाई, उसको ऊपर वाले फोटो में तो सच में ओडियन स्मिथ जैसा ही लग रहा है बंदा। नो पाकिस्तानी बॉलर्स नो पार्टी, केकेआर लेफ्ट गिल एंड टुक अजिंक्य रहाणे, मैन सोल टीवी टू बाय रिमोट, हो भाई ये भी सही है यार। तेवटिया टू अदर बैट्समैन व्हेन ही सीज वेस्ट इंडीज बॉलर इन आईपीएल, भाई 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 मेरा माल मेरा माल मेरा माल। पीबीकेएस बॉलर व्हेन दे सी तेवटिया कम टू बैट, बॉडी के सारे लिक्विड निकलने लगते हैं, मतलब कौन बोला मैंने। तो थैंक यू सो मच यार, जाने पर तुमने इतने सारे अपने को मीम्स भेजे, इंस्टाग्राम पे टैग किए, बहुत सारे मीम्स थे भाई, उसमें से कुछ कुछ छाटे। ऐसी कोई भी न्यूज नहीं रहती भाई जो तुम लोग मेरे तक नहीं पहुंचाते, कहीं ना कहीं तो टैग कर ही देते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच यार। माय 11 सर्कल की टीम में मैंने आज विकेट कीपर में लिया ईशान किशन को, डीके भाई बहुत जबरदस्त फॉर्म में बट लेट आते इसलिए उनको छोड़ दिया। बैटिंग में मैंने लिया तिलक वर्मा को, फफ टू प्लेसेस को, विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को और रोहित शर्मा को, बैट्समैन तो भाई काफी सारे और सारे अच्छे अच्छे। ऑलराउंडर में मैंने लिया हसरंगा को और मैक्सी भाई आने वाले तो मैक्सी भाई को। बॉलिंग में मेरे फेवरेट बूम बूम बुमराह, हर्षल पटेल और टाइमल मिल्स। कैप्टन में यार यहाँ पे बना रहा हूँ फफ टू प्लेसेस को और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ ईशान किशन को। बाकी यार ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाओ। बाकी मिलते हैं यार आज, डबल है, दो दो मैचेस हैं तो उसके वीडियोस के साथ। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.